मेरे दोस्त का नाम अरुण और उसकी पत्नी का नाम नेहा है। उसको 1 साल का बेटा भी है। हम लोग एक दूसरे के घर पर अक्सर आते जाते रहते हैं। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर था और अरुण एक दवा कंपनी में मार्केटिंग करता है। मैनेजर होने के कारण मेरे घर में सब कुछ था, पैसे की कमी नहीं थी। अक्सर मेरे दोस्त की पत्नी नेहा को पैसे की ज़रूरत लगती तो वह मेरी बीवी से पैसे लेकर आती थी। जब भी वो मेरे घर आती तो वह मुझे एक प्यारी सी स्माइल देती। जून का महीना था, मेरी बीवी बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। उस दिन मैं ऑफिस में था कि बीवी का फ़ोन आया कि नेहा को पैसे की ज़रूरत है तो शाम को उसे 3,000 रुपये दे दीजिए। उसके बाद मेरी पत्नी ने शायद उससे कह दिया कि मैं शाम को उसके घर जाकर उसे पैसा दे दूंगा। मैं ऑफिस से आया और नेहा के घर पर गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी तो नेहा ने अंदर से आवाज़ दी, भाई साहब आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा नेहा अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। मैं अंदर आया तो भी उसने वह सब वैसे ही रहने दिया। फिर हम दोनों बातें करने लगे। दूध पीते पीते उसका बच्चा सो गया था और वह ऐसे ही मुझसे बातें कर रही थी। बात करते करते मैंने नेहा से बोला, यह लो पैसे, और मैं उठकर जाने लगा तो वह बोली, रुको ना, चाय पीकर जाइए। मैं बोला ठीक है। वह उठी और किचन में चली गई। उसको इस हाल में देखकर मेरी हालत तो खराब हो ही गई थी। वह चाय लेकर आई, मैं तो सिर्फ उसको देख रहा था। तभी अरुण का फ़ोन आया और वह फ़ोन पर बात करने लगी। उसने अरुण को बोला कि सिद्धार्थ भाई साहब आए हैं, लेकिन उसने अरुण को मेरे आने का कारण नहीं बताया। तभी नेहा बोली कि अरुण आपसे बात करना चाहता है। मैंने फ़ोन लिया तो अरुण बोला, सिद्धार्थ यार, मुझे ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए नोएडा जाना है। अगर तुझे टाइम है तो प्लीज़ मुझे 8 बजे तक रेलवे स्टेशन छोड़ने आएगा क्या? मैंने उसको हाँ बोल दिया और वहाँ से घर के लिए निकलने वाला ही था कि नेहा ने बोली, अरुण को पैसे के बारे में मत बताना आप। मैंने हाँ बोला और मैं अपने घर में फ्रेश होने आ गया। मैं फ्रेश होकर टीवी देख रहा था कि अरुण का कॉल आ गया। मुझे उसको छोड़ने जाना था। अब मैं उसके फ्लैट पर गया तो नेहा चाय लेकर आई। तभी अरुण बोला, यार मुझे शायद ज़्यादा दिन भी लग सकता है, तो तू प्लीज़ इधर का ख्याल रखना अभी। नेहा मुझसे बोली, भाई साहब आज खाना खाने मेरे यहाँ ही आ जाना, वैसे भी दीदी घर पर नहीं है। अरुण भी बोला, हाँ यार यहीं आ जाना खाना खाने। फिर चाय पीकर मैं उसे छोड़ने रेलवे स्टेशन चला गया। उसे ट्रेन में बैठा कर घर वापस आ गया और नेहा को फ़ोन कर दिया कि अरुण को ट्रेन में बिठा दिया है। तभी नेहा बोली, ठीक है भाई साहब, खाना खाने कब आओगे? मैंने उसे बोल दिया, जैसे ही ऑफिस का काम ख़त्म कर लेता हूँ तो आ जाऊँगा। मैंने कुछ ही देर में अपने ऑफिस का काम ख़त्म किया और 10 बजे नेहा के घर आ गया। उसके घर का दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर गया, नेहा का बच्चा सो गया था। तभी नेहा बोली, सिद्धार्थ भाई साहब अब जल्दी से खाना खा लेते हैं। फिर नेहा उठी और किचन में चली गई। उसने सब तैयार करके रखा था, बस चपाती बनानी बाकी था। वह चपाती बनाने लगी। कुछ देर बाद रोटियां तैयार हो गई थी। फिर हम दोनों ने भोजन किया। खाना खाने के बाद हम लोग बेडरूम में आ गए। अब नेहा अपने बच्चों को फिर से मेरे सामने दूध पिलाने लगी ताकि वह आराम से सो जाए। मैंने उससे बोला, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। वह बोली, देखिए फ्रिज में कुछ मिल जाए। अब तक वह अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और जैसे ही उसका बच्चा सोया वो उसी हाल में बिस्तर पर लेट गई। मैं उसके वो देखकर हैरान हो गया। वो 34 साइज का रहा होगा। अब नेहा ने मुझे भी उसी के पास सोने को बोला। अब मैं उसके इरादे भाप गया था। फिर मैं बोला कि आपके पास सोने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो नेहा बोली, नहीं, मैं तो ये कब से करना चाहती थी। आपसे इतने पैसे लिए हैं, उसको चुकाने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? अब मैं भी उसके पास पहुंच गया और जी भर के उसके साथ मनमानी करने लगा। नेहा को भी ये करना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम दोनों ने लगभग 1 घंटे तक वह सब करने के बाद एक दूसरे से चिपक कर सो गए। उस रात हम दोनों को बहुत मज़ा आया था।